नमस्कार। दिन भर जब आप अपने काम में और ऑफिस में व्यस्त थे, उस समय छतरपुर और जिले भर में क्या कुछ घट रहा था, हमारे रिपोर्टर्स सारी खबरों पर नजर रखे हुए थे। रात के 8:50 हुए हैं, आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियों पर एक नजर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज हम आपको खास खबर जो कि वार्ड परिक्रमा के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, आज हम दिखाना चाहेंगे वार्ड नंबर 19 जो कि महाराणा प्रताप नगर है। आइए नजर डाल लेते हैं कि यहाँ के वार्ड के लोग क्या कहना चाहेंगे। पेप्टिक की टीम के द्वारा प्रत्येक वार्ड में जाकर पार्षद का सर्वे रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है कि इनके कार्यकाल में किस तरह का क्या कार्य किया गया है। इसी दौरान आज पेप्टिक की टीम वार्ड नंबर 19 में गई जो कि महाराणा प्रताप नगर है। यह सटाई रोड स्थित है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर पार्षद अनीता मिश्रा हैं जो कि दूसरी पंचवर्षीय में है। यहाँ पर भाजपा की पार्षद हैं। यहाँ के वार्ड के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए चलते हैं और पूछ लेते हैं हम रिपोर्टर के पास जाकर कि आखिरकार वार्ड के लोग इनसे क्या बात कर रहे हैं। लाइट की समस्या ये है कि ये खम्भे आप देख ही रहे हैं, खम्भे गड़े हैं, इनाइन में तार डाले गए हैं, हमारे आम लोगों को परमानेंट कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। टेम्परेरी कनेक्शन का बिल की कोई लिमिट नहीं है। अब 2-5-7 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति 3-4 हज़ार रुपये बिल तो दे नहीं सकता है। अगर बिल देगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा। तो लाइट की समस्या हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा है। यहाँ लाइट की है, नाली की है, रोड की सबसे ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल तक जाने वाले रोड तक, अब यहाँ निकलने में भी दिक्कत होती है। कहाँ निकले, ना ट्रेन निकली, नीचे से पानी भर रहा हो तो बच्चा निकल नहीं पा रहा है। तो कोई कोई बच्चे जैसे ऊपर निकल आओ तो उन्हें जा भी दिक्कत है, कहूँ कभी कभार ट्रेन भी निकल जाए। मेरी समस्या ये है कि मैं 60 साल का हो रहा हूँ और मेरा ना तो राशन कार्ड बना है गरीबी रेखा का, और मैं विकलांग हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है ना, मेरे यहाँ पर लाइट नहीं है और मेरे यहाँ पर सड़क नहीं है, मैं गिर पड़ता हूँ। इस प्रकार से हमको बहुत समस्या है यहाँ पर रहने में। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खबर पर। शहर के समीप ग्राम चंदपुरा में इन दिनों शास्त्री अखिलेश महाराज के द्वारा पुराण एवं शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आनंद का लुप्त ले रहे हैं। तो वही मंगलवार के दिन राधा कृष्ण के विवाह के बारे में पूरा चित्रित वर्णन किया गया। शहर के समीप ग्राम चंदपुरा में इन दिनों पुराण एवं शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। पुराण कथा का आयोजन शास्त्री अखिलेश महाराज के द्वारा कहा जा रहा है। तो वहीं मंगलवार के दिन राधा कृष्ण के विवाह संपन्न के बारे में चित्रित वर्णन किया गया है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे की खबर में देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला जब छतरपुर में थे, तब भी कैसे लुटेरों ने पुलिस की व्यवस्थाओं की और पुलिस के भय की पोल खोल दी। छतरपुर के शांतिनगर कॉलोनी इलाके में एक महिला के साथ 50,000 रुपए की लूट की गई है। यह महिला का नाम है ममता शुक्ला, जो कि होम्योपैथिक कॉलेज में क्लर्क के तौर पर काम करती हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपए लेकर अपने घर शांतिनगर कॉलोनी की तरफ जा रही थी, तभी पल्सर बाइक से आए दो लुटेरों ने उन्हें घर के पहले ही रोककर उनके हाथ में रुपयों से भरा बैग जो मौजूद था उसको छीन कर ले गए। चिंताजनक बात यह है कि यह घटना उस वक्त की है जब डीजीपी छतरपुर में बैठकें ले रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया ऋषि कुमार शुक्ला छतरपुर में थे और इसी दौरान लूट की ये वारदात सामने आई। ये पहला मौका नहीं है, पिछले एक सप्ताह से शहर के 4 अलग अलग स्थानों पर फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं और 15 दिन में लूट की भी 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो पुलिस
के जो इंतजाम है उनकी पोल खुलती जा रही है। देखिए इस खबर को। हाँ, हम कॉलेज से बैंक गए, पीएनबी बैंक, तो वहाँ पे 50,000 रुपए निकाले हमने, और वहाँ से निकाल के फिर घर आए। घर से आए तो घर के 20 कदम पहले दो लोग आए थे, एक पैदल आए एक बाइक से, उन्होंने हमारा बैग छीना, हम चिल्लाते रहे और बाकी छीन के वो भागे, हम खींचते रहे, हमारे हाथ में पैर में चोट आ गई। क्या क्या था उस बैग में? बैग में 50,000 रुपए थे, 600-700 रुपए पहले पड़े थे, और बैंक की पासबुक थी, और एटीएम कार्ड था, चाबी थी घर की, चश्मा, मोबाइल। नमस्कार, दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे छतरपुर को हिला देने वाली एक बड़ी खबर। पूरे जिले में रेत माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने बोने साबित हो रहे हैं। बिजावर क्षेत्र के रतनगंज इलाके में एक रेत माफिया के द्वारा IFS अफसर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। ये IFS है अभिषेक तोमर, जो कि वन विभाग में बतौर SDO सेवाएं दे रहे हैं। पिछले रोज जब इन्हें खबर मिली थी कि एक ट्रैक्टर से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, तभी उसके पीछे लगे, और उसके पीछे लगे तो रेत माफिया ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। रेत माफिया का नाम राजू धोबी बताया जा रहा है, और उसके साथ 4 अन्य लोग भी थे। फायरिंग के बाद SDO और उनके साथ जो मौजूद जवान थे, उन्होंने फिर भी ट्रैक्टर का पीछा किया, लेकिन तब भी ये उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे। बाद में जब ये घटना तेजी से जिला मुख्यालय तक फैली, तब 4 थानों की पुलिस को आरोपी के घर की घेराबंदी के लिए भेजा गया। हालांकि 4 थानों की पुलिस की घेराबंदी के बाद भी आरोपी मौके से फरार हो गया है, और इस घटना के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। अभिषेक तोमर के साथ हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ धारा 307 जैसी धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब छतरपुर में इतने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया गया है। इसके पहले बमीठा में IAS रही सोनिया मीना पर भी इसी तरह की एक घटना सामने आई थी। हाल ही में तहसीलदार सुनील गर्ग को महाराजपुर में रेत माफियाओं ने घेर लिया था। तो जिले में लगातार रेत माफियाओं का आतंक बढ़ रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी बोने साबित हो रहे हैं। एक घटना कट्टे से फायर करने की घटना हुई है, इसमें अपराध क्रमांक 29/18 दर्ज किया गया है। धारा 307 के तहत प्रकरण विवेचना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, दोपहर 2 बजे में आपका स्वागत है। राजनीतिक खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने एक नए कंसेप्ट के साथ संगठन के विस्तार की रूपरेखा तैयार की है। एक नई टीम मंडलम के नाम से बनाई जा रही है। छतरपुर शहर में 3 मंडलम बनाए जाएंगे, जिसमें एक का नाम संकट मोचन, दूसरे का नाम गांधी, और तीसरे का नाम छत्रसाल मंडलम होगा। इन मंडलम में कई कार्यकर्ता जुड़ेंगे, और इस तरह से संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी पर्यवेक्षक राहुल राय, जो कि पूर्व उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही जवेरा के विधायक प्रताप सिंह मौजूद रहे। इन दोनों ही पर्यवेक्षकों ने छतरपुर के नेताओं से चर्चा करते हुए इन मंडलम के बारे में जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठ नेता आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी सहित स्थानीय नेता उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए। अभी तक हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी। अब एक नया प्रोफार्मा और चला रहे हैं, जिसमें कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नीचे मंडलम भी होगा और सेक्टर भी होगा और बूथ भी होगी। देखिए, ये जो आज कांग्रेस कार्यालय छतरपुर में जो बैठक का आयोजन हुआ है, वो छतरपुर शहर ब्लॉक जो हमारा है, उसके ब्लॉकों के जो पदाधिकारी लोग हैं, उनकी एक बैठक का आयोजन हुआ है। ये प्रथम चरण इस ब्लॉक की बैठक के बाद हम लोग जो इस ब्लॉक के अंतर्गत 3 मंडलम आएंगे, उन मंडलों में भी बैठक करेंगे, और वहाँ के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे उनके साथ बैठ कर जो मंडलम की कमेटी है, ब्लॉक लेवल की कमेटी है, उनका गठन करेंगे। नमस्कार, 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सहकारी वनोपज समितियों में
वर्षों से काम कर रहे लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। कुछ कर्मचारी और श्रमिक तो ऐसे हैं जो 29 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। मध्य प्रदेश वनोपज सहकारी समिति के श्रमिकों और कर्मचारियों के एक संगठन ने ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। इन लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और अपने वेतन से जुड़ी कई विसंगतियों को सामने रखा। सन 1989 से लगे तेंदुपत्ती में प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे, आज तक साहब हमारा कोई वेतन ना कोई मानदेय ना हमें कोई सुविधा यात्रा भत्ता कुछ नहीं दिए, कम मिलता है साहब। 6,000 वर्तमान में मिल रहा है साहब, जिसमें हमारे बाल बच्चों का कोई पालन पोषण नहीं हुए। इसलिए हम श्रीमान जी से निवेदन करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे कि हमारे कलेक्टर साहब महोदय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाए जो भी हमारी निराकरण मांग को सुने। नमस्कार, 4 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। गढ़ी मलहरा का दरगाह शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले उर्स में देश भर के लोग शामिल होते हैं और जियारत करते हैं। यहाँ पर 222वें उर्स की शुरुआत बुधवार से हो गई है। पूरा दरगाह शरीफ का इलाका जो है वो रोशनी से नहा गया है। दूर दूर से लोग जियारत करने आ रहे हैं। गुरुवार की शाम यहाँ पर कव्वालियों का अदबी मुकाबला भी रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से दरगाह शरीफ में जियारत करने के लिए देश भर से लोग शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों का कहना है कि इस दरगाह में आकर उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रामचरितमानस प्रांगण गल्ला मंडी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का रोचक वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर जनसंत श्री देवनाथ जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंग रोचक तरीके से वर्णित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली से आई हुई टीम द्वारा विभिन्न रोचक झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं और उनका मनोहारी वर्णन भी किया जा रहा है। गुरुवार के दिन यहाँ पर नरसिंह अवतार की कथा प्रस्तुत की गई, जिसको देखकर यहाँ श्रद्धालु और दर्शक बड़े ही प्रफुल्लित और आनंदित हुए। देवनाथ जी महाराज के द्वारा कथा के विभिन्न प्रसंगों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा उस कथा में क्या कुछ नया है और इन प्रसंगों को कितने तरीके से बताया जा सकता है, यहाँ पर दर्शकों द्वारा इस पूरी कथा का कुछ अलग ही ढंग से रसा स्वादन किया जा रहा है। इस प्रकार से दंड दूंगा, ये परमेश्वर का प्रसाद है, इसी से होगी तेरी मृत्यु। क्यों नहीं हो सकती? हाथ में किसके है बनाए देना, उन श्रीहरि की इच्छा बिना तो पत्थर भी नहीं हिलता। ओ ऐसा, यदि तुझे मान तो श्रीहरि बचा लेगा तुझे। भला ये भी नहीं जाना कि रक्षा करने वाले कदम कदम पर भटकाए ये ऐसा कहर ये भाई नमस्कार, शाम 6 बजे की खबरों और अपडेट के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। बिजावर में SDOP वन विभाग IFS रैंक के अधिकारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये घटना बुधवार की है, उस दिन जब प्रदेश के DGP छतरपुर जिले के भ्रमण पर थे। अपराधियों का और रेत माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ रहा है, इस कदर उनके हौसले बढ़ रहे हैं कि वे अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। पहले ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई, इसके बाद ट्रैक्टर लेकर आरोपी भाग खड़े हुए। बाद में जब अधिकारी ने पीछा किया और उनके घर पर पहुंचे तो वहां पर
फायर कर जान से मारने की एक बार फिर से कोशिश की गई। कल दिनांक 7/2/18 के रात लगभग 8:30 बजे एक लिखित आवेदन पत्र श्री अभिषेक तोमर SDO फॉरेस्ट जो IFS रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने दिया है, जिस पे उन्होंने ये लिखा है पत्र में कि वो वन की सर्चिंग करने के लिए गए थे। शाम को 5 बजे उन्होंने एक पावर ट्रैक ट्रैक्टर रेत भरा मिला जिसकी वो जाप्ता कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच में राजू धोबी, बलाई धोबी और राजा धोबी ये तीनों लोग गए, ट्रैक्टर को छुड़ाने का प्रयास किया, साहब नहीं छोड़े तो ट्रैक्टर एक उनके ऊपर चढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। इसके बाद भी और चढ़ाने के प्रयास में ट्रैक्टर को निकाल लाए वो, फिर भी साहब ने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब वो लोहरायु तालाब के पास में आए तो उसमें से बलाई धोबी ने साहब के ऊपर जान से मार डालने की नीयत से कट्टे से फायर किया जिससे वो बाल बाल बचे। फिर भी उनके द्वारा फॉरेस्ट विभाग के द्वारा वो रेत भरा ट्रैक्टर जब्त किया गया है और उसके आरोपी के घर से काफ़ी अवैध मात्रा में लकड़ियां भी सागौन की बरामद किया है उन्होंने, इसकी कार्रवाई उन्होंने किया है। उनके पत्र पर हमने राजू धोबी, बलाई धोबी, राजा धोबी और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जिसका नाम पता नहीं चल पाया है अपराध क्रमांक 29/18 धारा 307 353 186 34 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने रात भर सर्चिंग कराई है लेकिन अभी अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं, शीघ्र ही हम उनको पकड़ लेंगे। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो में एक बार फिर से डांस फेस्टिवल के रंग बिखरने वाले हैं। 20 फरवरी से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, इसके लिए एक बैठक का आयोजन खजुराहो में किया गया। बैठक में कलेक्टर रमेश भंडारी, SP विनीत खन्ना, SDM सलोनी सडाना, SDOP इसरार मंसूरी सहित राजनगर विधायक विक्रम सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष कविता राजे, खजुराहो विकास प्राधिकरण अध्यक्ष घासीराम पटेल और खजुराहो डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। अलाउद्दीन खान अकादमी भोपाल से आए हुए अधिकारियों ने बताया कि इस बार के लिए खास आकर्षण कला प्रदर्शनी, आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी, फूड जोन जो कि देशी व्यंजनों पर आधारित होगा और बुंदेली व्यंजन भी यहां पर रखे जाएंगे। इसके अलावा फिल्म और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 4 बजे से इस तरह की प्रदर्शनी और मेला का आयोजन होगा और उसके बाद फिर 6:30 बजे से मुक्ताकाशी मंच पर देश विदेश के नामी नृत्य कलाकार यहां पर दर्शकों के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देंगे। एक्चुअल में ये बैठक परिचयात्मक बैठक थी कि डांस फेस्टिवल में क्या क्या गतिविधियां होगी और जो मेरा सोच है और जो सब यहाँ के लोगों का सोच है कि ये नृत्य महोत्सव तो है, अपने आप में खजुराहो नृत्य महोत्सव का अपना नाम है, लेकिन साथ में ये लोक उत्सव भी बने, इसके लिए अन्य गतिविधियाँ हम पिछले 2 सालों से हमने जोड़ी है और पिछले साल तो काफ़ी जोड़ी थी कि ताकि लोग जो आसपास के लोग हैं वो भी शाम को 4 बजे से आए, मेले का आनंद लें क्योंकि बुंदेलखंड में मेले का बड़ा महत्व है और उसके बाद डांस फेस्टिवल को भी देखें। तो इस बारे में सभी लोगों ने सुझाव लिया और हम उनको क्रियान्वित करें। जिस तरह पिछले साल हुआ है उससे और अच्छा करने का निर्णय, जो मुख्य नृत्य हैं समारोह के वो होंगे ही, आर्ट मार्ट एग्जीबिशन होगा ही, फिल्म प्रदर्शनी होगी, नेपथ्य की गतिविधियां उसमें मोहिनी अट्टम डांस की एग्जीबिशन, उसके कॉस्ट्यूम्स ज्वेलरी और वो सब कुछ होंगे ही, हुनर जो शिल्प और क्राफ्ट मेला होता है वो होंगे ही, फूड जोन जो व्यंजन और वो सब जो होते हैं अंचलों के वो होंगे ही, प्रदर्शनियां होंगी, वर्कशॉप होंगे। समय में ये है कि पिछले साल 7 बजे से शाम को हुए थे परफॉर्मेंस, इस बार 6:30 बजे से करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर, रात के 8 बजे हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। नौगांव में अजय दौलत तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां पर लगभग 2 घंटे तक तहसील का घेराव किया गया, कांग्रेसी बैलगाड़ियों में भरकर आए हुए थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस समन्वयक और उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल राय, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, शिवानी चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी इस प्रदर्शन में शरीक हुए। गरौली रोड से तहसील तक बैलगाड़ियों में भरकर ये कांग्रेसी पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक तहसील का घेराव किया। इस बीच में सरकार के खिलाफ नारेबाजी और अपनी
मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी दिया। तख्तियों में अपना विरोध ये सारे कांग्रेसी दर्शा रहे थे। कांग्रेसियों ने तहसील का घेराव कर कलेक्टर के नाम एसडीएम रविंद्र चौकसे को मांग पत्र सौंपा। मांगों में किसानों के बिजली के बिल 3 हॉर्स पावर तक माफ किए जाने की तथा किसानों को प्रताड़ित न किए जाने की मांग, बोरिंग पर लगी रोक हटाए जाने की मांग जिससे कि वे अपनी खेती को सिंचित कर सकें, बैंकों और सोसाइटी से लिया गया किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और इसके अलावा भावांतर योजना पारदर्शी हो और भी तमाम मांगे सामने रखी गई। आज से ठीक 2 महीने पहले हमने 3 तारीख को किसानों का दुख दर्द जानने के लिए पदयात्रा के माध्यम से 100 किलोमीटर का सफर तय किया था। उस यात्रा में बहुत सारी कमियां और खामियां जो हमारे बीच में आई, हजारों की संख्या में जो हुजूम ये आया है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आज केवल एसी के कमरों में बैठ के ये लोग योजनाएं बनाते हैं। तो हम इनको दिखाने आए हैं कि लोग मर रहे हैं, आज लोगों की पलायन की स्थिति है, लोगों के पास कर्ज सोसाइटियों का कर्ज चुकाने का पैसा तो है नहीं, वो बिजली का बिल कहाँ से चुकाएंगे। लेकिन इनको भी बोला है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो इतना शानदार और जानदार आंदोलन करेंगे कि प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करने वाले हैं। केवल इसीलिए हमने 1 से 1.5 महीने का इनको समय दिया है, क्योंकि हम अगर ये लोग सोचते हैं कि हम चुप बैठने वाले हैं और इनकी हम कोरी कोरी बातों में आश्वासन में अगर ये कार्रवाई नहीं करते और आ जाने वाले हैं तो ये गलत फहमी में है। हम इससे बड़ी ताकत से उभर के आएंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। आज जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा तहसील का घेराव किया गया और ज्ञापन दिया गया और इस ज्ञापन को के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को हम कार्रवाई के लिए बुलाएंगे, चर्चा करेंगे और पत्र भी लिखेंगे और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे हमारे ग्रामवासियों की जो वास्तविक समस्या है उनका हम तुरंत गति से निराकरण करें जिससे लोगों को समस्याओं से निराकरण में मदद मिल सके। तो खबर दिनभर में आप देख रहे थे दिनभर की खबरों की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।